नमस्कार। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में आपको कहानी एक ऐसे नेता की बताऊंगा जो नेता कम जिसकी छवि बाहुबली की ज्यादा है, जिसे पूर्वांचल का बाहुबली कहा जाता है, जिस पर बहुत सारे हत्या के केस, अपहरण के केस, न जाने किस किस तरह के केस उस पर लगे हुए हैं, जिसकी 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सरकार ने जमींदोज कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद उसकी हनक कम नहीं हुई। वो जेल से भी लगातार चुनाव जीतता जा रहा है। नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि वो मऊ से लगातार 5 बार के विधायक हैं। 1996 में बसपा के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। पूर्वांचल के क्षेत्र में मुख्तार एक मसीहा के तौर पर भी जाने जाते हैं। मुख्तार अंसारी को चाहने वाले उन्हें गरीबों, दबे कुचलों का मसीहा के तौर पर बताते हैं। कहते हैं कि मऊ और गाजीपुर के क्षेत्रों में मुख्तार अंसारी ने कई काम ऐसे करवाए हैं जो आम लोगों के लिए थे। मुख्तार अंसारी बतौर विधायक अपनी निधि का 30% निजी और सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों पर खर्च करते हैं। कई बार वो लोगों की पढ़ाई, इलाज और शादी तक के लिए भी मदद करते हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते हैं। कहते हैं मुख्तार अंसारी एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। उनके साथ के लोग बताते हैं कि मुख्तार एक बहुत शानदार गेंदबाज थे। अगर मुख्तार ने सियासत का रुख ना किया होता और जराइम की दुनिया की तरफ कदम ना बढ़ाए होते तो शायद वो बेहतरीन बॉलर के रूप में क्रिकेट खेल रहे होते। पिछले कई सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा देश की आजादी के संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नवशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को भी जीत दिलाई, लेकिन वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से उन्हें नवाजा गया था। बहुत कम लोगों को यह पता है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। मुख्तार इतनी बड़ी शख्सियत के भतीजे हैं। पूर्वांचल के विकास के नाम पर 1970 के दशक में कई सरकारी परियोजनाएं पूर्वांचल में आती हैं। इन परियोजनाओं पर वर्चस्व बनाने को लेकर दो गैंग्स की उत्पत्ति होती है। 1980 के दशक में गाजीपुर जिले के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने को लेकर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का मखनू सिंह के गिरोह से जमकर झगड़ा होता है। ये वारदात कई हिंसक वारदातों की श्रृंखला में तब्दील हो गई। यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह का नाम खुलकर सामने आया। ब्रिजेश सिंह ने यहां से पूर्वांचल में ठेकों पर कब्जा करना शुरू किया। 1990 के दौरान जिन सरकारी ठेकों पर अंसारी का एक छत्र राज था, अब उसे चुनौती मिलने लगी थी। फिर क्या था, ब्रिजेश और मुख्तार अंसारी के गैंग का आमना सामना यहीं से शुरू हुआ। यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। फिर 1995 में पहली बार मुख्य धारा की राजनीति में मुख्तार अंसारी की एंट्री होती है। साल 1996 में अंसारी को मऊ से विधायक चुन लिया जाता है। सत्ता में आने के बाद अपने धुर विरोधी और जानी दुश्मन ब्रिजेश सिंह के पीछे पहले यूपी की फोर्स को लगा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के अपने गुर्गे भी ब्रिजेश सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। साल 2002 आते आते दोनों ही गैंग्स का पूरे पूर्वांचल पर वर्चस्व हो गया। पूर्वांचल के सभी ठेके या तो इन दोनों माफियाओं को मिलते थे या फिर इनके जानने वालों को जो इनके तहत काम करते थे। इन ठेकों की वजह से दोनों गैंग्स के बीच कई बार गोलीबारी हुई, खून खराबा हुआ। फिर अचानक अखबारों में एक दिन खबर आती है कि पूर्वांचल के माफिया ब्रिजेश सिंह की मुख्तार अंसारी के साथ गैंग वॉर में मौत हो गई। इसके बाद पूरे पूर्वांचल में एक ही माफिया बचा था और वो था मुख्तार अंसारी। जेल में बंद छोटे भाई मुख्तार के बारे में बात करते हुए अफजाल अंसारी कहते हैं,
मुख्तार हमसे 10 साल छोटे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो यहीं गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज में राजपूत भूमिहारों का वर्चस्व था। वहीं इनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक लड़के से हुई। उससे दोस्ती निभाने के चक्कर में ये उसकी निजी दुश्मनियों में शामिल हो गए और इनके गले कुछ बदनामियां पड़ गईं। मुख्तार के साथ साथ पूरे परिवार को भी बदनामी झेलनी पड़ी। लेकिन ये सारे मुकदमे जो मुख्तार पर लगाए गए हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। 17 साल से ज्यादा वक्त से वो जेल में बंद हैं। अगर उन्होंने वाकई कुछ गलत किया है तो पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, CBI आपकी है। अब तक कोई गुनाह साबित क्यों नहीं हुआ? मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश है कि इनमें से 15 केस जो बहुत ही गंभीर हैं, उनमें जल्द से जल्द मुख्तार को सजा दिलाई जाए। मुख्तार और उसके सहयोगियों की तकरीबन 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक सील या जमींदोज की जा चुकी है। उसके गैंग से जुड़े लोगों की बाकी बेनामी अवैध संपत्तियों की भी पहचान की जा रही है। अभी तक मुख्तार अंसारी गैंग के 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 75 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मुख्तार गैंग के 72 हथियार लाइसेंसों को रद्द किया जा चुका है। से अंसारी परिवार के पास रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 साल बाद 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली। लेकिन वो विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ 3 साल बाद ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पूर्वांचल में आग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबर को मौका वारदात पर कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं। वो एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए स्पॉट ऐसी सड़क को चुना गया था जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में सवार थे। AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गई थी। सभी 7 लोग मारे गए थे। जानकारों के अनुसार गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार बहुत नाराज थे। कृष्णानंद हत्याकांड के वक्त में जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड में नामजद किया गया। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI तक को दी गई। कृष्णानंद की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से यह मामला नतीजे तक नहीं पहुंच सका। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलेगा तो नतीजा कुछ और हो सकता है। गाजीपुर के यूसुफपुर इलाके में स्थित मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास बड़का फाटक या बड़े दरवाजे के नाम से जाना जाता है। कस्बे नुमा इस छोटे से शहर में बड़का फाटक का पता सभी जानते हैं। राजनीति में आने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्तार ने रुख किया। यहाँ से उनके छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। यहीं की छात्र राजनीति से मुख्तार यूपी की राजनीति में एंट्री करते हैं। मुख्तार ने अपना पहला चुनाव बसपा के टिकट पर मऊ से लड़ा। 1996 में हुए उस चुनाव में मुख्तार की जीत हुई। इसके बाद 2002-2007 का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़े और जीते। फिर 2012 में पारिवारिक पार्टी कौमी एकता दल से विधायक बने। 2017 में पार्टी के बसपा में विलय होने के साथ ही वो भी बसपा में शामिल हो गए। सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों के साथ भी क्या से क्या हो गया उन्हें भी पता नहीं चल पाया। कभी मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अप्रैल 2010 में अंसारी भाइयों को अपराधों में शामिल बताते हुए बसपा से निकाल दिया था। फिर 2017 में अंसारी भाइयों ने उसी बसपा में अपनी पार्टी का विलय करवा दिया, जिसकी सर्वे सर्वा मायावती ने उन्हें ठीक 7 साल पहले पार्टी से निकाल दिया था। 2017 के चुनाव में उन्होंने अदालत में उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ ये कहते हुए अंसारी भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बसपा में करवा लिया। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं। 2017 चुनाव में मऊ जिले की ही घोसी विधानसभा सीट से अब्बास ने बसपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था और 7,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वो भी पहली बार राजनीति में उतरे। अपने पिता के पक्ष में मऊ में उनका चुनावी कैंपेन चलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं मुख्तार अंसारी की अनसुनी कहानियों का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।